अजान तो होती है मगर नहीं कोई मौसम बिलाल सा। अजान तो होती है मगर नहीं कोई मौसम बिलाल सा। सरब सजदा तो है मोमिन मगर नहीं कोई नहीं कोई सोहरा के लाल सा। अब मैं हसनैन को दावत देना चाहूँगा जिनका मौजू है बहादुरी एक अजीम सिफ़त। मेरे मोहतरम साथी कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज का मेरा मौजू है बहादुरी एक अजीम सिफ़त है। जी ये सच है कि बहादुरी एक अजीम सिफ़त है। आज हम बहादुरी ही की वजह से आज़ाद हैं। बहादुरी अगर कश्मीर में आज बहादुरी होती, बहादुरी जैसी एक अजीम सिफ़त अगर आज कश्मीर में होती तो कश्मीर भी आज़ाद मुल्क होता। लेकिन भारत अपनी बहादुरी दिखाते हुए कश्मीर की बहादुरी को दबाते जा रही है। उनकी अगर कहीं से भी आवाज़ निकलने लगती है आज़ादी के ये कोई भी आवाज़ उठती है तो वो उस आवाज़ को वहीं दबा देते हैं। ये भारत अपनी बहादुरी से ही करती है। अगर आज कश्मीर को हम बहादुरी दें, अगर हम आज हमारे पास भी बहुत बहादुरी है। बहादुरी सिर्फ फौज से नहीं होती, हमारे दिल में बहादुरी होनी चाहिए। हमें हमारे दिल में हौसला होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे दिल का हौसला इतना बुलंद हो कि हम लोग अगर मरीख पर पहुंचना चाहें तो बगैर रॉकेट के मरीख तक भी पहुंच सकें। हमारे दिल में इतना बुलंद हौसला कैसे आएगा। हमारा दिल अल्लाह ताला ने बहुत ही खुला, किसी का दिल बहुत बड़ा और किसी का दिल बहुत तंग बनाया है। लेकिन हम लोग अपने दिल में हौसला पैदा कर सकते हैं। हौसला दिल में नहीं हमारे जिस्म में आता है। दिल छोटा हो या बड़ा इससे हौसले का कोई फ़ायदा नहीं। हौसले का कोई नहीं होता कि दिल छोटा है तो हौसला नहीं आ सकता। दिल छोटा हो या बड़ा हौसला आ सकता है, क्योंकि हौसला हम लोग अपने जिस्म में लाएंगे कि हम कुछ कर सकते हैं। दिमाग को बहादुरी की सिफ़त से भरपूर कर देंगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ये हम लोग सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमारे दिल में अपने ऊपर पुख्ता यकीन हो कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। चाहे हम जो मर्जी करना चाहें हम कुछ भी कर सकते हैं।